सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो होना बहुत ज्यादा खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको कि फेसबुक को कैसे लॉगिन करें, फेसबुक अकाउंट को कैसे लॉगिन करें। वो सिंपल तरीका नहीं बताऊंगा यार कि आपके पास ईमेल आईडी है, फोन नंबर है तो आप लॉगिन कर लो, पासवर्ड है तो लॉगिन कर लो। ठीक है, आपके पास देखो ईमेल आईडी भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है और फोन नंबर भी नहीं है। ठीक है, आपके पास तीनों चीज नहीं है तो आप कैसे अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। आपके पास आपको जो अकाउंट है वो बहुत पुराना है तो आप कैसे लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो यार थोड़ा सीखो, अंत वीडियो को अंत तक देखो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बहुत ज्यादा शेयर करो, थोड़ा सबको सिखाओ। ठीक है, तो यार दोस्तों अब मुझे चलना पड़ेगा अपने फोन के स्क्रीन पर, तो जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मेरा फोन ही है, तो अभी मैं इसको बंद करूंगा। तो चलिए अब इसको बंद करके अपने फोन के स्क्रीन चलते हैं, चलिए स्टॉप। तो यार दोस्तों देखिए, मैं आ गया हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर। तो देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको फेसबुक का कोई फेक अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। मेरे पास देखिए ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं इसको खोलता हूँ। ठीक है, इसको खोलने के बाद आपको सर्च करना है उस अकाउंट को जिसको आपको लॉगिन करना है, जिसका आप सब कुछ भूल गए हैं। देखिए मैं ये अकाउंट खोल रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं पासवर्ड, आईडी और फ़ोन नंबर सब कुछ भूल चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीन डॉट दिखाई देगा, तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उस आईडी का लिंक दे मतलब मिल जाएगा जिसका आप सब कुछ भूल चुके हैं। तो आप यहाँ से लिंक को कॉपी कर लीजिए। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको चलना है आपको गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना है फेसबुक। फेसबुक को सर्च करने के बाद आप यहाँ पे उसको खोलिए। देखिए फेसबुक जो खुलेगा आपको इस तरह से एक पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले पूछ रहा है कि फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस डालिए, उसके बाद पासवर्ड डालिए। तो आपको यहाँ पे वही लिंक जो कॉपी आपने किया था उसको यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद देखिए आपको सबसे ज़रूरी काम क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर देखिए facebook.com के बाद स्लैश लगा है, आप इस स्लैश से पूरा साफ कर दीजिए, पीछे का पूरा हटा दीजिए। अब देखिए ये जो आईडी है आपकी, ये फेसबुक की आपको वो आईडी मिल गई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डालना है पासवर्ड। पासवर्ड देखिए आप, अगर आपको याद है तो पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के वो चीज़ लॉगिन कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पासवर्ड डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अब मैं डाल दिया हूँ यहाँ पे पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। देखिए लॉगिन करने के लिए कह रहा है आपको गूगल क्रोम में खोलना है या फेसबुक पे, तो मुझे गूगल क्रोम में खोलना है ऑलरेडी। अब देखिए ये वाला आपका जो आईडी थी वो लिंक से आपका खुल गया, सिर्फ लिंक से और पासवर्ड से आपका खुल गया ये आईडी। मैं आपको आईडी भी शो कर देता हूँ। ये देखिए आपको वही आईडी दिखाई दे रही है जिसको मैं वहाँ से लिंक का कॉपी किया था। ठीक है, अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। पूरी तरह से लॉग आउट कर दूंगा ना तो आपको सही दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूरा लॉग आउट हो गया है, आपको एकदम सिंपल सा पेज दिखाई दे रहा है। अब आपको देखिए अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, फ़ोन नंबर है, ठीक है आपका फ़ोन नंबर है और पासवर्ड नहीं है और ईमेल आईडी भी नहीं है। देखिए ईमेल जो मैं आपको कॉपी करके दिखाया था वो उसको यहाँ डालना है। यहाँ देखिए अब मैं यहाँ पे वही लिंक को फिर से पेस्ट करता हूँ। ठीक है, फिर से वही करना है, .com के बाद स्लैश को पूरा हटा देना है उस वहाँ के बाद। अब देखिए आपके पास पासवर्ड नहीं है, ठीक है आपके पासवर्ड नहीं है बस फ़ोन नंबर है, तो आप यहाँ देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिए। देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको कह रहा है फ़ोन नंबर डालिए, आपका जो ये आईडी थी वो जिस फ़ोन नंबर से अटैच था उसको यहाँ डालिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आप यहाँ देखिए सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ देखिए इंटर योर ईमेल एड्रेस और योर नेम फुल नेम। ठीक है, आप अपना यहाँ फुल नाम डाल सकते हैं, फुल नेम, ठीक है, या अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ देखिए अपना नाम ही डालूँगा। ठीक है, मतलब जिस आईडी से उसको लॉगिन करना है उसको मैं डालता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ देखिए डाल दिया हूँ। अब मैं इसको सर्च करता हूँ। देखिए सर्च करने के बाद बहुत सारे लिस्ट आएंगे आपको दिखाई देगा, आपका जो अकाउंट है आप उस पर क्लिक करिए। अकाउंट पे देखिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए फ़ोन नंबर का थोड़ा सा क्लू दे दिया आपका, हाँ ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, अगर आपका आपके पास ये फ़ोन नंबर नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो नेक्स्ट पे ऑप्शन क्लिक करिए। आप नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा, उसको आप यहाँ पे डाल करके अपना ये फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं फिर से। ठीक है, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप यहाँ पे अदर ऑप्शन चूज करके
दूसरा कोई मतलब आपके ईमेल पर वो एक ओटीपी सेंड करेंगे, उस ईमेल को आप डाल करके मतलब उस ओटीपी को डाल करके आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। तो यार बस इतना ही था वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है मुझे, आप लोग सपोर्ट करो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आप हमारे एक फैमिली का हिस्सा बनेंगे। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।